Can you kill something that big? नमस्कार सत श्री अकाल सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का फालतू पॉकेट गेमर में। और आप देख रहे हैं गॉड ऑफ वॉर 4 का हार्डेस्ट डिफिकल्टी का वॉक थ्रू, जिसमें 100% तरीके से इस पूरे गेम को हम लोग फिनिश करेंगे। तो पिछले पार्ट में आप लोगों का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट मिला, बहुत ही अच्छा लगा वो चीज़। और इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी सारे वीडियोस फटाफट मैं आप लोगों के लिए बनाते रहूं। और ये 8th वीडियो है, तो इसमें कोशिश करते हैं 8 लाइक्स की। मुझे पता है आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था फेवर सेकंड हैंड सोल्स, जिसमें अंडवारी का रिंग जो है हम लोगों ने ब्रॉक के तक ला के दिया था, और उसके कारण हम लोगों को मिला था ये वाला जो एक्स का जो नीचे का हिस्सा है, ग्रिप ऑफ वॉलेंडर, जिससे हम लोगों का जो लेवल है थोड़ा सा अप हुआ है। लेवल 3 का है ये, रेयर है। और इसमें अगर क्या बोलते हैं, अगर हम लोग सक्सेसफुल एक्स हिट करते हैं तो प्रोटेक्टिव बैरियर मिलने का चांस है हम लोगों को, बहुत ही कम है लेकिन बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ मिली थी फ्यूरी ऑफ आइस ट्रोल, जो कि बहुत ही अच्छा लाइट रूनिक अटैक है, 60 सेकेंड्स में रिचार्ज होता है वापस से। और मेरे ख्याल से अगर आर्मर में देखेंगे हम लोग तो सॉकेट्स में अगर जाते हैं, अभी तक वो मिला नहीं है लेकिन मिलेगा अभी आगे चल के, तो वो चीज़ें हैं। और 3200 XP मिला था जो कि अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो शील्ड अगर मेरा देखेंगे आप शील्ड वाले में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एबिलिटी है जो कि हम लोगों को काम आएगी। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर प्रोजेक्टाइल फेंकता है तो उसको वापस रिटर्न कर सकते हैं जिसने फेंका है उसकी तरफ, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर डायरेक्शन चेंज करके। तो ये ले लेते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम ये है कि इसमें 3000 XP की ज़रूरत पड़ती है जो कि अभी हमारे पास है। और एक चीज़, एट्रियस का जो फायरिंग रेट है वो मैंने अभी तक अपग्रेड नहीं किया था, तो वो अपग्रेड कर लेते हैं ताकि हम लोग और फास्ट तरीके से फायर कर सकें। तो मेरे पास अभी 800 बचे हुए हैं जो कि मैं यूज़ करूँगा। ओके भाइयों, तो यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग। अपग्रेड किस में जाते हैं, सबसे पहले चीज़ तो अपने हम लोगों को जो एक्स पमेल मिला था उसको अपग्रेड कर सकते हैं हम लोग। तो स्ट्रेंथ और डिफेंस जो है हमारा +2 से बढ़ जाएगा। और अगर पीछे आएंगे तो हम लोग अपना चेस्ट आर्मर तो अभी अपग्रेड नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि वो ऑलरेडी अपग्रेड किया हुआ है हम लोगों ने। पोर हाइट ब्रेसर्स को अपग्रेड कर सकते हैं जो कि अपना स्ट्रेंथ और डिफेंस बढ़ा देगा 2 और 4 से। और आई थिंक हम लोग वेस्ट आर्मर को नहीं कर सकते क्योंकि टाइम है अभी उसके लिए। तो वो सारी चीज़ें हैं, एनचेंटमेंट ले सकते हो, आर्टिफैक्ट्स ले देख सकते हो। So, you sticking around for grains of wisdom? चुप है, मजाक मत कर, चल आगे चल बदतमीज ब्रॉक। ओके, तो यहाँ पे एक ही चेस्ट मैंने छोड़ा हुआ है, गलती से छूटा था वो, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो उसमें सॉफ्ट सॉर्ट ऑफ फाइन स्टील मिलेगा हम लोगों को। और फिर यहाँ से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, यहाँ अगर बैश करोगे थोड़े बहुत हैक सिल्वर मिल जाएंगे आपको। ओके, यहाँ और कुछ छोड़ा नहीं है। बस एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी देखो मेरी हेल्थ जो है ये है, और अगर मुझे हेल्थ 100% करनी है और आपके आसपास कोई मिस्टिक गेटवे है तो उसको एक्टिवेट कर लो, जिससे आपकी हेल्थ फुल हो जाएगी। बस एक्टिवेट करके वापस आ जाओ और आपकी हेल्थ फुल। तो रेज फुल नहीं करता ये, सिर्फ हेल्थ पर काम करता है। अब ये जो फेवर करने वाले हैं हम लोग, उसका नाम है अनफिनिश्ड बिजनेस। और यहाँ से बाहर अगर निकलेंगे हम लोग तो लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा हम लोगों को। ये बैरल्स तोड़ोगे तो आपको कुछ हैक सिल्वर्स मिल सकते हैं, और क्रेटोस की मस्त मस्त कहानियाँ शुरू होने वाली हैं।
Mother always had stories. Weren't you told me when you were a boy? There was a man I knew a long ago. His stories were brief and purposeful. Sounds fun? Do you remember any? There was one that concerned a hare and a tortoise. Like the witch's house? Unlikely. So what happens? They wager on a race between them. The hare is too confident of victory and foolish, while the tortoise is steady and disciplined. The tortoise wins. You haven't told a lot of stories, have you? Okay, guys and boys. तो यहाँ पे जाना है हम लोगों को क्वेस्ट एक्टिवेट करने के लिए. और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले पार्ट में हम लोगों को एक ट्रेजर मैप मिला था जो कि यहाँ पर है. एक डेड जायंट है उसके बैली के पास छुपाया हुआ था किसी ने. देख रहे हो बेचारे को क्या मारा हुआ है. तो ऑब्लिवियन स्टोन मिल गया जिससे हम लोग अपने एक्स पर्मल्स को लाइव ट्रेनिंग डैमेज इफेक्ट्स के लिए अपग्रेड कर सकते हैं. और उसके साथ हम लोगों को सॉफ्ट सॉर्टर फाइन स्टील और एच्ड क्रेसिंग क्रेस्ट ऑफ कनिंग. ए ब्रेजर. हम लुक्स लाइक देयर इज समथिंग रिटन ऑन इट. वांट मी टू रीड इट? ओके. ये केकड़ों को आप मार सकते हो अगर आप देखोगे तो, लेकिन कोई इसका पर्पस नहीं है. बस मैं ऐसी मुझे पता था तो मैंने दिखा दिया. ओ पीछे की तरफ आओगे तो थोड़े बहुत आपको हैक सिल्वर मिलेंगे. थोड़े बहुत नहीं, बहुत सारा हैक सिल्वर मिलेगा. 2700 के अराउंड 2500 मिला. हर बार अलग ही रहता है इसका. और अगर आपको एक और क्वेस्ट चाहिए तो आप वहाँ से इसको फोड़ कर एट्रियस को भेज सकते हो. और फिर उसके बाद वो वहाँ से चेन गिराएगा और आप जा सकते हो. अभी एक आई ऑफ ओडिन जो है यहाँ पर दिख रहा है जो कि शायद से मैं ले सकता हूँ. तो ये हमारा छठवां आई ऑफ ओडिन था. बस सिंपल सा था वो. तो भाई वो अभी एक्टिवेट करते हैं इसको और देखते हैं पंगा करते हैं. ओके. तो इसको वो करने के लिए पहले बोल पढ़ लेते हैं ये क्या बोल रहा है कि आयरन ब्रेजियर्स होते हैं. और ब्रेजियर को उसने लाइट कर दिया और उसके बाद कोई स्पेल सम काइंड ऑफ स्पेल मे बी आई बेट देयर मोर ऑफ दिस अराउंड. तो लेक ऑफ नाइन्स में ऐसे और ब्रेशर्स है जिसमें आप लोगों को थोड़े बहुत चीज़ें कर सकते हो आप उसमें. और वर्ल्ड सर्पेंट को पूछना चाहता है अब कहाँ जा रहा है तू साले. और ये पास से मारने की कोशिश मत करो जनरली तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है. लेकिन ओ शिट ना ना मुन्ना ना कहाँ गया वो. और थोड़ा बहुत एट्रियस को बोल सकते हैं हम लोग. हाँ निकाला उसको. तो एट्रियस को आप एरो शूट करने बोलोगे तो वो थोड़ा वो करेगा. ना बेटा ओ शिट नहीं ना. ओके तो कहाँ गया मेरा. और ये मरने के लिए आ जाए तो इसको अच्छे से मार दो. ऑब्वियसली ये इरीटेट करेंगे ये इरीटेट करेंगे. ओ भाई भागो. और यहाँ फंसना नहीं है अपने को. भागो यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो. बस वही है ये जो है ना इसको किधर गया वो. ये रहा. इसको अगर शूट करने बोलोगे एट्रियस अबे फिर भाग गया बदतमीज. ये तीन अटैक करता है ये जो बंदा है पागल हो गया. ओ नहीं 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 नोप नॉट टुडे ब्राउस. ओके तो आ जा बेटा. इससे डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है. टेसल बॉम्ब जो है बहुत ही इरिटेटिंग कैरेक्टर है. हट साले. ओके और ये इनको पैरी कर सकते हो आप. तो वो मॉडिफाई भी हो गया. आप निकाल इसको निकाल साले को. और ओ शिट इसको दो तीन शॉट मारना पड़ेगा तब जाके वो निकलेगा. मार बेटा एट्रू. ओके ओके. एनिमी को अगर आप उछालते हो ओ शिट नहीं 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 ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता. मार बेटा मार एट्रू साले. मारता है मेरे बच्चे को. भागो देख रहे हो बदतमीज को. इसको पहले निपटा लेते हैं हम लोग. आ जा बेटा. ओ नहीं भागना नहीं है भाई तुझे.
ओहो नॉट टुडे ब्रो। ओके तो ये हमारा काम कर रहा है एक तरीके से। एनिमी मार बेटा। नॉप यहाँ पर है। ओके तो पकड़ लिया है एक बार, एक शॉट और बस। ओके अब यही बचा हुआ है। भाई साहब को करने देते हैं अपना जादू मंत्र टोना जो भी है, और फिर ये थक जाता है भाई साहब। और इसको ओ नहीं मार बेटा। चेस धनिया है ये तो, फुल धनिया है। ओके एक दो और फिर तीसरा। इससे बचना बहुत ज़रूरी है। वन शॉट ऑलमोस्ट आपकी पूरी लाइफ जो है वो ख़त्म कर देगा। ओ मैं बचा अभी। मार बेटा एट्रियस एक और। ओके भाग। ओ नहीं हील करेगा। ओ पूरा हील कर लिया उसने। तो ये एक और इरिटेटिंग चीज़ है इनके बारे में, ये वाइकिंग्स है कि वो लोग हील करते और हम लोगों को फिर उसके बाद भरना पड़ता है उनको वापस। और पीछे से अगर शॉट मारोगे आप। ओ नहीं एक दो और तीन और फिर ओ नहीं ओ फिर हिल कर लिया यार। बड़ा बदतमीज आदमी है। और ओ नहीं बच गया मैं, बहुत ज़्यादा पास था वो उसके। ले बेटा कर अब हील, हील दिस बिच। ओके तो भैया जितना हो सके उसके तीसरे शॉट के बाद पास में रहो, ज़्यादा पास भी मत रहना। और फिर उसके बाद ये मारना ताकि वो हील ना कर सके। ओके एक तो भैया ज़्यादा वो नहीं है, टेंशन वाला एनिमी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और फिर उसके बाद पीछे से फेल देते हैं उसको। ओ नहीं हाँ कर बेटा अब तो हील कर, कर हील। मैं इसको ब्लॉक कर सकता हूँ मैं, लेकिन रिस्क नहीं लेता। ओके तो शायद अब हम लोग। ओ भाई ओ नहीं हट साले। और ये खत्म। और फिर हेल्थ वेल्थ आप फुल कर सकते हो। What is that? A spirit. It's talking to us. And it hears you as well. You're dead? You're very perceptive and reckless. Take caution when lighting these braziers. Sather and Hellwalkers will swarm to the flames like moths. I assume we have you to thank for freeing us from a watery grave. Us? Other spirits. The Lake of Nine is full of them. Most are able to move on from this realm. But we, lucky few, are stuck here in Midgard until our affairs are in order. Perhaps you can help them as well. We have no desire to help you, spirit. Ah, but you already have. I only wished to see the sky again. Farewell. Okay, तो unfinished business में हमारा explore the island of lake, एक lake of nine. तो ये एक objective complete करने पे हम लोगों को ये मिला versatile warrior's handle, जो कि ठीक है, luck है, ये है वो है, लेकिन हमारा जो grip of Wallander है वो ज़्यादा better है, तो हम लोग tension नहीं लेंगे। और एक चीज़ एक मिनट, आर्मर में अगर सॉकेट्स में जाता हूँ मैं तो एच क्रेस्ट ऑफ कनिंग मिला था हम लोगों को, रूनिक
वो कर देगा और डिफेंस कम कर देगा। लेकिन वही है इसका कि अगर कुछ भी हम लोग सक्सेसफुल पैरी करेंगे तो हाइपर एक्टिवेशन, क्या बात कर रहे हो, ओहो ये लेना पड़ेगा। हाइपर एक्टिवेशन चांस है रूनिक बढ़ाने का जब हमारा सक्सेसफुल पैरी होगा, तो ये काम आएगा हम लोगों को। नाइस। He disappeared. Come, let us not be distracted. तो ऐसे चार स्पिरिट जो है वो आप लोगों को फ्री करने हैं जैसा हम लोगों ने किया इसको। तो ये एरिया तो कंप्लीट हो गया और वहाँ पे आप ले सकते हो वो सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट एरिया की तरफ बढ़ते हैं। अरे So, I guess we should keep an eye out for other spirits. What did I say about distractions? But it sounds like they needed help. They are spirits, boy. Dead things. They have no needs, only wants. Okay, Atreus, sorry. क्रेटोस जो है बहुत सही बोल रहा है। गोल इसको मैंने वो नहीं किया था, ट्रैक नहीं किया था सॉरी। तो अनफिनिश्ड बिजनेस इसको ट्रैक कर लेते हैं सर्कल दबा के। Feels wrong to ignore them. You will get over these feelings. Mom would have wanted to help them. What was that, boy? Nothing. I thought as much. Okay, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं मेरे ख्याल से यहाँ पर है वो एरिया। हाँ ये रहा। तो ये जो एरिया है यहाँ से हम लोग को एक और ट्रेशर। Very well. There was a horse. The horse sought vengeance upon his enemy, a stag. But he could not kill the stag alone. The horse met a man, a hunter, and made a deal. He took the man's bit and bridle and allowed him to ride in a saddle on his back. Together, they killed the stag, and the horse tasted victory. But the hunter would not release the horse and made a slave of him. So getting revenge cost him his freedom. Hope it was worth it. It was not. तो क्रेडोस की ऐसी स्टोरीज आप सुनते रहोगे। ओके तो यहाँ पर हम लोगों को एक और ट्रेजर मैप मिलेगा। स्टोन फॉल्स हिडन एरिया डिस्कवर्ड। तो बोट कैप्टन्स की अगर आप देखोगे तो बताया हुआ है इसमें हम लोग को रिवॉर्ड मिलेगा एक रेयर एनचेंटमेंट जो कि हम लोग को काम आएगा, एक लिप्टर अलॉय और 30 एजेस गोल्ड। ओके तो ये मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि आगे चल के मुझे काम आएगा। और यहाँ पर एक मिस्टिक गेटवे है जिसको आप एक्टिवेट कर लो। और इससे आपका जो हेल्थ है वो फुल हो गया। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट एरिया। मेरे ख्याल से और कुछ लेना नहीं है। आगे की तरफ जाओगे तो बड़ा पंगा है, तो अभी उस एरिया पे मत जाना। तो हम लोगों को अभी जाना है अपने नेक्स्ट इसके तरफ। जो कि सामने है ओ हैक सिल्वर फ्री वाले नहीं छोड़ने हैं। ओके मिल गया। वर्ल्ड सर्पेंट को देखो कितना बड़ा है ये सीरियसली। हाँ उसको भी पता नहीं है कि उसके जो बॉडी है यहाँ पर भी पड़ी हुई है ऐसा करके। देखो आराम से सो रहा है वो चैन की नींद। तो यहाँ पर हम लोग अपना सेकंड स्पिरिट जो है वो फ्री कर सकते हैं। ये सारे टावर्स पे हम लोग डॉक कर सकते हैं। ओके एक हैवी ड्रॉगर दिख रहा है हम लोगों को। पहले हम लोग जाएंगे और इस बंदे को निपटाएंगे फटाफट ताकि हैवी ड्रॉगर जो है वो टेंशन ना हो। लल्ला एट्रियस निपट रहा है अकेले। एट्रियस पप्पा आ गए। ओहो ओ नहीं 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 ओके ओके थोड़ा मैं मारते जा रहा हूँ उससे परमा फ्रॉस्ट बिल्ड हो रहा है मेरा और परमा फ्रॉस्ट बिल्ड हो जाएगा पूरा तो फिर ये लोग फ्रीज हो जाएंगे। बन बिल्ड हो गया और थोड़ा मैंने
जल्दबाजी कर दी इसको वो करने में, लेकिन कोई बात नहीं, परमाफ्रॉस्ट बिल्ड हो गया था हमारा और थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। बस हो ही गया ये भाई साहब, और ये गया, हेल्प की जरूरत नहीं है, बाद में काम आएगा। ओके, तो यहाँ पे वो दिया हुआ I suppose you wish to light it. Can I? और वहाँ पर एक ओडिन है जिसको हम लोग ले सकते हैं। अभी ये जो नॉर्नी चेस्ट है इसके लिए हम लोग को इसको वो करना है, ये मुझे हमेशा तकलीफ देता है। और यार तीनों हो गया शायद, यस। तो मिल गया एक और ईडन एप्पल, और दो की और ज़रूरत है ताकि हम लोगों की मैक्स हेल्थ जो है वो अपग्रेड हो जाए। अब टाइम आ गया है सेकंड स्पिरिट को फ्री करने के लिए। अभी भाइयों ये थोड़ा लफड़े वाला एरिया है, तो अपन देखते हैं, तो इसको मैं बोलूँगा कि वो कर ले, और यहाँ पे एक पैदा होगा, पहले इसको निपटाएंगे अपन। कम ऑन, यस, और ये, और इसको एक और एक बार बस, और अपग्रेड नहीं होने देना। अब बाकी के जो दो पैदा हुए हैं नालायक लोग, उनको अपन कोशिश करेंगे इधर से। ओके आ जा बेटा, वो कर, इनको आसानी से आप भेज सकते हो अंदर, गया कि नहीं साला। आ जा बेटा तू भी, अच्छा बच्चे, अबे दोनों आ गए। आजा आजा तू, आजा तू, आ तू, आ जल्दी आ, अबे आ, उनको वहीं रहने देते हैं तो, और इसको भेज देते हैं यहाँ पर। अबे गया नहीं तू सारे बदतमीज, और इनको मैं इससे नहीं मार सकता, तो मुझे ये इसका यूज़ करना पड़ेगा। ओके एक गया, ओ हेल्थ, अरे हेल्थ स्टोन क्यों लिया मैंने, आ जा भाई तू, कितना बेवकूफ है ये, इस तरफ से नहीं आ सकता, चल साले मैं ही आ जाता हूँ, चल चल मार मार बक्सा, और प्रोटेक्शन मिल गया हम लोगों को, तो इस तरीके से आप निपटा सकते हो फटाफट। मेरे ख्याल से और कोई तो है नहीं फिलहाल के लिए, यस यू शुड बी हेल्पिंग मोर। Okay. I don't believe it. Are you both alive? Another spirit. Yes, another spirit. Kratos bore ho gaya. Chal bhai, bol. I can't remember the last time I saw something walk these islands that wasn't dead or corrupted. What do you mean? The desolation, child. Plagues this land, growing more severe with each passing winter. Do you know its cause? Not for certain, but I suspect the appearance of the World Serpent, along with the great flood that followed. Many were drowned, myself among them. The dead began to walk not long after. Do you need anything from us? Boy, I only wish to speak to someone again. A wish you have just granted. Thank you. Okay, तो second spirit जो हम लोगों ने free कर लिया है, corrupted remnant, legendary, a mystic remnant of Soul lost at the sea, use upgrade to versatile. तो handle upgrade करने पे काम आएगा ये। Anyways, एक मिनट, एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको goals में जाकर। तो हम लोगों ने दो free कर लिया, और common pummel, corrupted remnant और 1800 XP मिलेंगे हम लोगों को। मैं भूल गया था एक्चुअली शायद ये दिखाना। यहाँ ऊपर की तरफ आप जा सकते हो, थोड़ी बदतमीज़ी होगी जो कि हम लोग करने के हालत में नहीं है अभी, वो उस टाइप की बदतमीजी। तो चलते आगे। Boy, what did I tell you about offering help? Don't. Correct. But can't we This just... is not a debate. You must learn focus. Our journey need be your only concern. But what if they can help us? That one seemed to know a little about the lake. And how does that help us with our goal? We won't know unless we ask. क्रेटोस समझा रहा है उसको।
ज़्यादा होशियार मत बन मोटे। ओके भाई, तो अपना तीसरा स्पिरिट जो है यहाँ पर है, कुछ छोड़ तो नहीं रहा हूँ मैं। नहीं। Got another story? One more. There was a tale of a frog. His pond had dried up, so the frog and his son left to find a new home. They found a well. The son saw the water and made to jump in, but the father stopped him. He saw the well was deep, and once inside, they would not be able to escape if the water dried up again. Wisely, they moved on. That's it? Yes. That's really not a story. If the son jumped in, it would be a story. Then he would be trapped and starve while the father watched helplessly. See? That's a story. Atreus. Clever boy Atreus. तो भाइयों, हम लोग पहुंच गए हैं आइल ऑफ डेथ, डेथ आइलैंड में, और हम लोगों को यहाँ पर ये मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर जाने की कोशिश करेंगे हम लोग तो नहीं जा सकते हैं क्योंकि पानी का लेवल बढ़ा हुआ है। तो ऊपर की तरफ चलते हैं। Well? Well, what? The brazier? If you must. ओके, तो ये ब्रेशियर वो करने से पहले हम लोग अपना जो ट्रेजर है वो ले लेते हैं यहाँ से, जो कि हम लोगों ने वहाँ पे स्टोन फॉल्स में ढूंढा था जहाँ पे हम लोग रुके थे अभी थोड़ी देर पहले। तो लाइटनिंग इन्फ्यूज्ड मेटल यूज्ड लिप्टर्स एलॉय के बारे में बोला है। तो ट्रेजर मैप कंप्लीट हो गया, द बोट कैप्टन्स की, और हम लोग को हैक सिल्वर, एज गोल्ड और इनलेट क्रेस्ट ऑफ एसेंस मिला है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि काम का है कि नहीं। वो सॉकेट्स में जाते हैं और क्रेस्ट ऑफ मैरिस, इसमें क्या है, हाई पार्क एक्टिवेशन चांस टू ग्रांट प्रोटेक्टिव बैरियर प्रिवेंटिंग डैमेज फॉर मेनी एरिया ऑन सक्सेसफुल पैरी। ये भी सक्सेसफुल पैरी वाला है, लेकिन इसमें वो नहीं है। एक मिनट, बाकी जो मेरे सॉकेट्स हैं उस पर क्या लगा हुआ है, सिंबल ऑफ मैरिस, इसमें कुछ खास नहीं है। तो हम लोग ये लगा सकते हैं, वाइटैलिटी भी बढ़ जाएगी और पैरी करेंगे तो प्रोटेक्टिव बैरियर भी मिल जाएगा। तो रख लेते हैं इसको। और एक और चीज़ देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, फायर सीजल ऑफ प्रोटेक्शन, तो प्रोडक्ट बर्न से हम लोग की थोड़ी। ओके भाई, तो एक्टिवेट करने का चांस आ गया अभी, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें हैं ये मैं तोड़ के रखता हूँ, काम आएगा हम लोगों को। इसको एक्टिवेट करने बोले, और जैसे ही एक्टिवेट करने बोले यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर पहला आने वाला है। ओके भाई, तो पंगा स्टार्ट हो गया। ओ नहीं 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 नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। और एक आध शॉट और पड़ जाए बस। ओ बच गया। थोड़ा दूर आ जाओ। अब मैं ना, मैं रिस्क लेने के नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन लेना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। अब ये फेंकेगा तो ये जो स्किल मैंने खरीदी थी, कम ऑन, यस, एक को फर दे और ब्लॉक करते रहो। वो सारा अपने आप को बफ कर लिया कुत्ता। और एक और, यस, ओके, तो एक और पैदा हो गया, तीन चार लोग हैं। ओके ओके, तो ये वाला जो है इरिटेट करेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे जब तक ये डैमेज नहीं होता तो मैं वो कर रहा हूँ। ओरे ओके, तू जा बेटा और इसको भर, एट्रियस भर उसको। एक एक भी अगर कम हो गया ना तो हम लोग अच्छे से निपटा सकते हैं। अबे इसको नहीं, ले, रिटर्न टू सेंडर। ओ हो, ज़बरदस्त पैरी हुआ। अब कितने बचे, तीन बचे हुए। ओ डो, ओ ज़बरदस्त, मार बेटा एट्रियस उसको, साला उसकी लाइफ नहीं जाती इतनी। ओके, कौन है, या बूम,
ओहो ऑलमोस्ट गया था भाई। ओके इसको नहीं कर पाए, अब ये फेंकेगा, इसको धर देते हैं। भर बेटा, बस तू ही है, तू ही है। एक और एक और एक और एक और, बस एक और शॉट, दो शॉट। तू भी जा बेटा, तू बहुत इरिटेट कर रहा था। चल बेटा भर दे, और बूम। ओके ये गया, चल मारेगा तू। अरे केकड़ा, ओके चल उठा ले। हाँ ले आ जा, चल खोल दिया मैंने डिफेंस अपना, मार। हो नॉट टुडे बिच। मेरे ख्याल से हम लोग, ओ नहीं 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 नहीं, पंगा सिंह पांडे कर रहा है हमारे साथ। उसके खोपड़ी में एरो घुस गया है टीएस का। एक एक और अगर पैरी कर लिया हम लोगों ने, और ये बूम गया। ओ भाई साहब, ओके इसके पास जाएंगे अपन, लेकिन पहले हेल्थ जो है बराबर कर लेते हैं। इसका अगला पार्ट मैं शायद थोड़ा ब्रेक के बाद रिकॉर्ड करूं, तो आपको शायद कट दिखे यहाँ से, बट कोई भी बोल नहीं सकता। ओके बात करते हैं इससे। What do you want? Thank you. These dead reavers drowned me many winters ago, and I've been itching to see them get theirs. So you died after all the flooding? Indeed. I came to the Lake of Nine to pillage Tyr's temple, but I underestimated the severity of the desolation. Have you seen other men? Living? A bearded one with tattoos. Only the one standing in front of me. Thank you both for avenging my death. Okay, bhaiya. Well, we can't expect them all to know something useful. ओके वॉरियर्स हैंडल को वो करने के लिए है, तो करप्टेड रेमनेंट मिला हम लोगों को। तो तीसरा जो स्पिरिट है हम लोगों ने फ्री कर लिया, 350 एक्सपी मिले। एक मिनट, तो नीचे उतरते हैं। और आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा हूँ, तो मैं बाद में कल वल रिकॉर्ड करूँगा इसको। तो मिलते हैं एक सेकंड के कट के बाद। तो जंप कट के लिए सॉरी भाइयों, थोड़ी दिक्कत हो गई थी एक्चुअली। मैं काफ़ी रात को रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसके कारण मुझे बंद करना पड़ा, बहुत नींद भी आ रही थी। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने तीन स्पिरिट्स को फ्री किया था, पिछले पार्ट नहीं इसी वीडियो में। और मैं एक चीज़ भूल गया था जो आप लोगों को दिखाना है। तो यहाँ पर एक हिडन चेस्ट होता है जो आप ले सकते हो, और एक आर्टिफैक्ट होता है। तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर अगर मैं अबे ये डिस्ट्रॉय करना है उससे, फिर आप ऊपर जा सकते हो और एक चेस्ट मिलेगा हम लोगों को। ओके सॉलिड सॉर्टल फाइम स्टील मिला इसमें। अब यहाँ से आप अगर देखोगे तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, और वहाँ से आपको मिल जाएगा एक और आर्टिफैक्ट, स्पॉइल्स ऑफ सॉरी अबैंडन शिप का सेकंड आर्टिफैक्ट। और फिर इसके बाद हम लोग निकल सकते हैं। वो रेवन जो है हम लोग अभी मार नहीं पाएंगे, क्योंकि काफ़ी दूर है वो। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और Maybe the next one will have more information. Keep your expectations low, boy. Spirits are rarely useful. How do they even exist? When you sever a man from his life, it is not always a clean cut. So you've met other spirits? Yes. Many. What were they like? Annoying. एक और रेवन है, हम लोग बाद में लेंगे उसको। मैं कहाँ जा रहा हूँ भाई? Shipwreck. Well, yeah. I wonder why it crashed. तो हम लोग को जाना है यहाँ पे। ओ एगिस बोल्ट मिला, क्या बात, बहुत अच्छी बात है। Got any more short and purposeful stories for me?
Very well. There was a young man who was caught stealing and condemned to die. His mother came to visit his prison. She was a kind woman who could only give love. But her son, the thief, met her with rage and bit off her ear. What? Why? Because the boy had always been a thief, and his mother had taught him only love and nothing of consequences. Had he been taught discipline instead, he might have lived longer. Sure, but her ear, that's not right. Okay, so here we dock. I think this is the last one. Might as well, right? Fine. ओके भाई, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ये वाला जो फाइट है, लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, उसको लाइट करने बोल देते हैं। और अबे ओके, और यहाँ पे नाइटमेयर्स आएंगे तो रेडी रहो, जैसे ही आए नाइटमेयर मारना चालू करो उसको, एक भी अगर। ओके और भागो भागो। ओ नहीं 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 नहीं, नो नो नो, कहाँ गया वो नाइटमेयर? एक सेकेंड, एक को तो निपटा देते कम से कम। कहाँ गया वो नाइटमेयर? नाइटमेयर सिंह पटेल, वेयर आर यू? ओह ओह, वो खेल कर रहा है। अच्छा, वो नाइटमेयर मर चुका है तो अच्छी बात है, अब हम लोग को सिर्फ इनको निपटाना है। ओ नहीं नहीं नहीं, एट्रियस भाई संभाल ले, तेरे ऊपर हूँ मैं, मुझे हेल्थ चाहिए अभी थोड़ी, तो मैं थोड़ा साइड से भाग के ये हेल्थ पिक कर लेता हूँ। और इस वाले ओके, और बैम। अबे मरा नहीं साला, क्या बदतमीज आदमी। ओके ओहो हो हो हो, तो ये लोग ब्लास्ट भी होते हैं एक्चुअली, इसलिए मुझे ज़्यादा टेंशन हो रहा था। एक और हेल्थ होनी चाहिए आसपास, ले लिया क्या मैंने? अरे वहाँ कहीं हेल्थ थी यार, हाँ ये रही, ये रही। ओके भाई एचएस संभाल थोड़ा, जब तक कि मैं वो हेल्थ ले लूँ। ओ भाई बहुत ज़्यादा हिट करते हैं और ये लोग पॉइजन वाले हैं, तो ये ले और ये भी लो, और कोशिश करूंगा मैं एक को निपटा दूं कम से कम। तो इस शील्ड वालों की हेल्थ ज़्यादा नहीं होती बस। ओ भाई गया, थोड़ा सेफ तरीके से खेलते हैं, इसको पहले निपटा देते। ओके ये हील करेगा, ओके वो भी गया। ओ हो हो हो, मारेगा लास्ट। ओ शिट, ओ नहीं 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 नहीं, हैवी अटैक मारेगा और थोड़ी हेल्थ लेनी पड़ेगी हम लोगों को, हेल्थ बस्ट, तो उसको अटैक करने देते हैं। ओ नहीं 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 नहीं, हट साले यार, ये अपने आप को बफ कर लिया इसलिए इतनी दिक्कत जा रही है। और बैम, हो भाई साहब इरिटेटिंग था ये बहुत। You, I must speak with you. What's wrong? I came to this lake with a group of tradesmen seeking refuge from the desolation. Okay, okay. तो nightmares के बारे में कहा गया है कि this my nightmares came after me and tried to take me out of the fight, but father can stop them. Hopefully he will. और दूसरा पॉइंट यह है, we can either dodge their shots or interrupt them with an arrow or axe throw. तो वही है, arrow और axe throw से आप उनको disable कर सकते हैं एक तरीके से। revenant का नहीं, और heavy jogger, soul eater, ये तो हो गया। rabbit foot, tassel bomb के बारे में भी आया था एक एंट्री कि आधा ये लोग कैट होते हैं आधा lizard के जैसे होते हैं, छिपकली की तरह। और वही है, इनका combination बहुत ही अजीब है, अंडरग्राउंड नीचे घुस जाते हैं ये लोग फिर निकलते हैं। बस मेन प्रॉब्लम ये है उनकी पूंछ जो कि पॉइजनस है, उसके बारे में दिया है। हेल शेडो स्काउट तो हम लोगों ने अभी फ़ाइट किया था, मेरे ख्याल से तीसरे वाले स्पिरिट पे फ़ाइट किया था, और ये लोग मैजिक यूज़ करते हैं, मैजिक थ्रो करते हैं आइस वाला। और ब्रेनर डाउटी
के बारे में मैंने बोले सेकंड ट्रोल जो था वो है। We cannot undo your mistakes, Spirit. I know that. But I fear for my captain and crew. I believe they are still under the water. Will you find them for me? Is there anything you can offer us in return? I have little to offer. Oh. Well, I'm not sure. Wait! I died wearing a valuable family heirloom. It's yours, if you promise to find my crew. Deal. Thank you. तो एट्रियस भी स्मार्ट हो गया और मांडवाली करने लग गया। तो करप्टेड रेमनेंट मिला हम लोगों को। I won't speak for your mother, but it was never my concern, nor should it be yours. Doesn't it concern us if everything around us is done? Our only concern is reaching the peak. Really? Then why are we exploring all these islands? The resources we find improve our equipment. If we stray from the path, it is only to prepare ourselves for the journey ahead. I can live with that if it means we'll keep exploring and helping others. तो हम लोगों ने भाइयों फाइनली अपना जो ये फेवर है वो कंप्लीट कर लिया है। अभी एक जगह और है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ। एक सेकंड, मुझे एक चीज़ चेक करनी है। यहाँ पे कुछ हिडन तो नहीं है मेरे ख्याल से, तो नहीं है क्योंकि ये एरिया काफ़ी छोटा सा। ये बहुत इंटेंस फाइट इसलिए थी क्योंकि वो जो ड्रॉगर्स आए थे वो पॉइजनस थे और उनका एक अटैक जो है आपकी लाइफ जो है काफ़ी कम कर देती है। तो बस एक जगह और है जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, वहाँ पे हम लोगों को एक कमाल की चीज़ मिलेगी। कमाल की नहीं, मतलब कि वो मिलते आई है हम लोगों को, बट एक यूज़फुल चीज़ है। There was the story of the mother crab who scolded her son. She told him he should walk forward in pride, not sideways as he always did. But she's a crab too. He should say, sure, I'll walk forward as soon as you show me how. Yes, he did say that. That was the story. Kratos. Okay, bhaiyo. Yahan pe aapko milega wo cheez aur अपने ऑब्जेक्टिव के पास में ही है। अभी यहाँ पे रेडी हो जाओ, थोड़े नाइटमेयर्स आने चाहिए। हाँ ये आ गया। और थोड़ा पीछे हो जाओ ताकि आप इनको दूर से ही मार पाओ, लेकिन हैवी अटैक्स जो है वो करो ताकि ये लोग दूर से ही मर जाए जल्दी। तो हैवी एक्स थ्रो कर रहे हैं हम लोग। ये लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक कि आप यहाँ इस पोजिशन में हो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दो शॉट में ये लोग मर जाते हैं। ओके गाइस एंड भाईस, तो यहाँ पे हम लोगों को पहले तो ये एक ट्रेजर मैप मिलेगा। हंटर्स किंगडम, तो इसका रिवॉर्ड है एक रेयर एनचेंटमेंट, एक लिप्टर अलॉय और 5 सॉलिड सॉर्ट ऑफ आइन स्टील जो कि नेक्स्ट लेवल के आर्मर को अपग्रेड करने के काम आता है, और 6000 हैक सिल्वर। तो वही है, मॉसिग्नीर करके एक वो था बंदा जो कि मैन और बीस्ट मतलब एनिमल्स का राजा था, इंसान और एनिमल्स का। और एक बंदा आया था डिस्कवर करने के लिए ताकि उसका जो आर्मर है वो ढूंढ ले, लेकिन वो मर गया। और मरने से पहले उसने अपना जो भी उसने खोजा है वो एक जगह पे छुपा के रखा है, तो वही बस दिया हुआ है। तो ये वाला जो पज़ल है बहुत इजी है, आपको बस दो बार इसको मारना है और यहाँ पे एक बार और मारने का। ओके ये ले रहा है। तो अबैंडन शिप का तीसरा आर्टिफैक्ट मिल चुका है। अभी इसको एक बार वो करने के बाद ये खुल जाता है, तो इन बेल को रिंग करना है हम लोगों को। एक मिनट पूरा होने के बाद करते हैं। ओके तो एक और दो और तो भैया तीनों होने के बाद हम लोग मोस्ट नॉर्मल चेस्ट को ओपन कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम लोगों को मिल जाएगा एक और ईडन एप्पल, जो कि ये हमारा 5वां ईडन एप्पल है और सेकंड सेट का दूसरा है।
तो अगर एक और मिल गया हम लोगों को तो हमारी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, और मेरी लाइफ भी फुल हो गई। क्या बात है, क्या बात है। हाँ ओके, तो एक और हिडन चीज़ है यहाँ पर, वो है ये रेवन। होपफुली मैं इसको मार पाऊँगा। ओके, बहुत इरिटेटिंग है इसको वो करना। लेट्स सी, अबे थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। ओ ऑलमोस्ट पड़ा था यार उसको। कम ऑन। ओके, तो यहाँ पे ही रखते हैं होपफुली। अबे क्या मजाक है, क्या बदतमीजी है। एक मिनट, मैं हूँ कहाँ पर। यहाँ से ट्राई कर, एक एक काम करते हैं ना, इसके ऊपर चढ़ जाते हैं वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये थोड़ा पास पड़ेगा अब हम लोगों को। ओके भाई एंड गाइस, ओबे पड़ रही है उसको लेकिन फिर भी नहीं मार पा रहे हम लोग। ये हुई ना बात, तो आठवां रेवन जो है हम लोगों ने ले लिया। तो भाइयों ये पार्ट जो है मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया हो इस क्वेस्ट में, और थोड़े बहुत और पावरफुल हो गए हम लोग। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ जो मेन स्टोरी मिशन है उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो भाइयों अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक का बटन दबाना मत भूले, क्योंकि उससे मुझे बहुत ही तगड़ी सपोर्ट मिलती है, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लो, ताकि मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले। तो भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद ये पार्ट देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।